प्यारे बच्चों, क्या बताएं बच्चों, फोन कट जाता है। चलिए हम लोग फिर भी पढ़ते हैं, रक्षा में स्ट्रेटजिक अध्ययन बीए भाग दो, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है बच्चों, सेकंड पेपर है ये आप लोगों का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वही है। अब बीच बीच में फोन कट रहा है, क्या बताएं, इसके बारे में हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। बच्चों हमारा पार्ट वही है जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, निकटतम पड़ोसी से खतरे। इसका हम लोग पढ़ेंगे इसमें भाग चार। ठीक है, चौथा भाग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा है, जहाँ से हम लोगों का ये वीडियो कटा है। हाँ बच्चों, तो हम लोग यही पढ़ रहे थे, पारिश्रमिक असमानता, भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी। अगर ये कहा जाए कि हमारे देश में इसमें कौन सा चीज़ ऐसा है जो भय नहीं व्याप्त है, तो बच्चों हम लोग यही कहेंगे कि हमारे देश में ये भी चीज़ व्याप्त है, भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, घूसखोरी भी व्याप्त है, और थोड़ा बहुत नहीं बहुतायत में नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है, अमीर वर्गों द्वारा व्याप्त है, उच्च वर्गों द्वारा व्याप्त है। यही वजह है कि हम लोगों के यहाँ की बेरोजगारी ना तो दूर हो रही है बेरोजगारों की, क्योंकि पारिश्रमिक असमानता है ये भी बेरोजगारी में सहायक है, भ्रष्टाचार ये भी वही है, घूसखोरी ये भी वही है। बच्चों इसमें जो कुछ भी है उच्च वर्गों द्वारा, मान सकते हैं अमीरों द्वारा पैदा किया हुआ है, और यही जो है अगर चरम पर पहुँचेगी तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, इन्हीं को होगा, अमीरों को ही, अमीर वर्गों को ही या उच्च वर्गों को ही। ठीक है, अगर विद्रोह ने जन्म लिया, दंगे फसाद ने जन्म लिया, लूट ने जन्म लिया, चोरी ने जन्म लिया, हत्याओं ने जन्म लिया, तो उसके सबसे बड़ी भुक्तभोगी कौन होंगे, उच्च वर्ग होंगे, क्योंकि गरीबों के पास खोने के लिए तो कुछ होता नहीं, पाने के लिए तो संपूर्ण अमीरों का धन ही काफ़ी है। चलिए इसके बारे में बच्चों हम आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके थे उस वाले क्या बोलते हैं वीडियो में। तो चलिए देखा जाए तो इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि जो भी बेरोजगारी व्याप्त है उच्च स्तर पर व्याप्त है, गरीब वर्ग गरीब होता जा रहा है, अमीर वर्ग अमीर होता जा रहा है, इस घूसखोरी भ्रष्टाचार और जो है पारिश्रमिक असमानता के कारण। बच्चों इसमें होता क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार ऐसा नहीं है केवल गवर्नमेंट है, हम जैसे आप लोग जैसे नागरिक भी हैं, इसलिए नागरिक हैं कि हम सब लोग जो है चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिले, ये नहीं देखते हैं कभी कि जो वर्ग गरीब है उसको मिलना चाहिए, इस बात का हम लोग ध्यान देते ही नहीं। हम लोग चाहते हैं सारी सुविधाएं, सारी सरकार की सारी जो है क्या बोलते हैं संपदा, सारा धन दौलत उसका हमको ही मिल जाए, ये चीज़ कभी नहीं सोचते कि जो जिस लायक है उसको मिले। ऐसा सोचने वाले व्यक्ति मुश्किल से 1-2% से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, हम लोग देखिए अमीर वर्ग उच्च वर्ग जिसके पास पैसा होता है बच्चों, वो पैसे दे के नौकरी खरीद लेते हैं, पैसे देकर अपने प्रभाव का प्रयोग करके सारे रोजगार पे अधिकार कर लेते हैं। तो वही स्थिति है बच्चों, जिन परिस्थितियों में क्रांति उत्पन्न हुई थी वही परिस्थितियाँ आज भी हमारे देश में, उसी परिस्थितियों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ना तो भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ना पारिश्रमिक असमानता ये भी दूर होने की संभावना नहीं दिख रही है, घूसखोरी भी कम नहीं हो रही है। ठीक है, सरकारी पेमेंट पे किसी को भरोसा ही नहीं है जब तक ऊपरी कमाई ना मिल जाए। चलिए ठीक है, इसमें ये मतलब है बेटा कि अगर एक वर्ग अगर दबाया जाएगा, चाहे श्रमिक वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, बच्चों इन सब की संख्या ज़्यादा होती है, वैसे भी चाहे जो भी राष्ट्र हो अमीरों की संख्या कम और गरीबों की संख्या ज़्यादा हमेशा होती है। जैसे माओ जैसा नेतृत्व अगर मिल जाए तो यही गरीब जो है सबसे बड़े ताकतवर बन जाते हैं। जैसे चीन में माओ त्से-तुंग ने क्या किया था, लाल सेना या छोटी फिवाई गरीबों और मजदूरों की सेना को ही लेकर उसने तख्ता पलट कर दिया था। ठीक है, तो वही है कि ये तभी तक जो है, ये जब तक इन गरीबों का पेट भरा हुआ है तभी तक राष्ट्र में कोई क्रांति जन्म नहीं ले रही है। जिस दिन ये भूखे हो जाएंगे उस दिन जो है राष्ट्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जो नुकसान हो सकता है आंतरिक सुरक्षा के लिए, जैसे बच्चों ये देख लीजिए
श्रमिक वर्ग जो है ये अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सकता है कि जब हमारे साथ बराबर व्यवहार नहीं कर सकते, हमें भोजन नहीं दे सकते, तो हमें अलग राष्ट्र बना दो, हम अपना भोजन स्वयं तलाश लेंगे। यह नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। जैसे मार्क्स ने कहा था कि श्रमिकों और मजदूरों का, बच्चों गरीबों मजदूरों श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, इन्हें देशभक्ति राष्ट्रवाद जैसे चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रवाद उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें ये राष्ट्र जो है सुख सुविधाएँ मुहैया करा रहा है। गरीबों का क्या है, मजदूरों का क्या है, श्रमिकों का क्या है, ये जिस देश में रहेंगे, जहाँ भी अपनी हड्डियाँ तोड़ेंगे यानी जहाँ भी अपना पसीना बहाएंगे, वही राष्ट्र इनको भोजन देगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इन्होंने यही कहा कि संसार के सभी मजदूर वर्ग मजदूर एक हों, इन लोगों का कोई व्यक्तिगत देश नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए। और अपने लाभ हेतु कानून विरोधी कार्यवाही भी एक अवैध कार्य है, भ्रष्टाचार। अपने लाभ के लिए कानून विरोधी कार्रवाई जो कि एक अवैध कार्य है, जिसे हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। रिश्वतखोरी क्या होती है, ये नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। अतिरिक्त धन प्राप्त करना अवैध रूप से, यह है रिश्वतखोरी, घूसखोरी जिसको हम लोग कह सकते हैं। रिश्वतखोरी के बारे में, यह सरकारी कार्यों में, नौकरियों में, मजदूरी में आदि में जो है बहुत सारी चीज़ें व्याप्त है। सरकार द्वारा विकास कार्यों में भी, ठीक है बच्चों। वैसे भी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ रिश्वतखोरी, अगर गवर्नमेंट किसी कार्य के लिए, बच्चों गवर्नमेंट किसी कार्य के लिए अगर हमारे यहाँ एक रुपया भेजता है, तो सबसे पहली बात तो हमारी वो गवर्नमेंट उसमें से 30 पैसा स्वयं ले लेती है। दूसरी बात, 50-70 पैसे उसको जो है पास होने में 10-20 पैसे और ख़त्म हो गए, बचा 50 पैसा। यहाँ आते आते बच्चों मुश्किल से 20-25 पैसा हमारे विकास कार्यों में लगता है। क्या ये जो है भ्रष्टाचार नहीं है? है। क्या इसको कौन नहीं जानता? नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है बच्चों, सभी जानते हैं। लेकिन वही है ना, जब तक गर्दन पर तलवार नहीं लटकती तब तक किसी व्यक्ति को मौत का खतरा नहीं होता। ठीक है, चलिए। फिलहाल इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं बच्चों, बाकी वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। ठीक, चलिए आगे है नक्सलवाद। ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है, खास करके बच्चों ये चीनी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादियों में भी कम्युनिस्ट विचारधारा। ठीक है, कम्युनिस्ट आंदोलन का नाम ही है नक्सलवाद। अब इनको मदद कौन देता है? नंबर वन का मदद चाइना, और सेकेंड मदद भारत का एक दूसरा शत्रु पाकिस्तान। प्रारंभ इसका कब हुआ था? 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में, वहीं से इसका प्रारंभ हुआ था। कानू फान्याल एवं चारू मजूमदार द्वारा सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया गया नक्सलवाद के आधार पर। ठीक है बच्चों, भारत में इसके जन्मदाता कौन है? चारू मजूमदार और कानू फान्याल। ठीक, इन्हीं के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। कहाँ? बंगाल में। किस गांव में? नक्सलवाड़ी गांव में। बच्चों उनके साथ भेदभाव जरूर होता था, तभी उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, ये मजूमदार जो थे माओ त्से-तुंग के प्रबल प्रशंसक, भारतीय मजदूरों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी, ऐसा मानना था मजूमदार का। ठीक है बच्चों, माओ त्से-तुंग के प्रबल प्रशंसक इसलिए थे कि इन्होंने ही, माओ त्से-तुंग ने किसानों और मजदूरों को ही इकट्ठा करके चियांग काई फेक की तत्कालीन सरकार के विरुद्ध उन्होंने अपना मोर्चा खोला था, और अंत में ले जाकर उन सबको सत्ता पे अधिकार इन्होंने कर लिया था। करने के बाद इन्होंने 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। बच्चों कई बार हम बता चुके हैं माओ त्से-तुंग को आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो जो ये नक्सली जो होते हैं, ये गुरिल्ला कार्रवाई के द्वारा ही सत्ता पे अधिकार करने का प्रयास करते हैं, या सत्ता का विरोध करके अपनी सरकार को बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी बदल जाए। ठीक, इनका मानना यही था कि मजदूरों और भारतीय मजदूरों और किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, सरकारी नीति ही उत्तरदायी है। बात तो काफ़ी हद तक सही होती है बच्चों, इसलिए कि सरकारी नेतृत्व स्तर पर ये सारी चीज़ें व्याप्त हैं। कौन? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अरे सॉरी भ्रष्टाचार, निर्द भ्रष्टाचार,
घूसखोरी और क्या बोलते हैं, अभी हम बच्चे क्या पढ़े थे, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और पारिश्रमिक अपमानता, यानी जिस लायक जो है उससे अगर कम वेतन दिया जाता है, कम अगर उसको मेहनताना दिया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का अपराध है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, चलिए। नक्सली मजदूरों एवं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, नक्सली जो हैं ये मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक वे अपने मार्ग से भटके ना हों। कहने का मतलब, किसानों और मजदूरों की लड़ाई से शुरुआत करते हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों इनको हथियारों की सप्लाई करके कुछ हद तक अपनी विचारधारा थोप कर इन सब को अपने मार्ग से भटका देते हैं। कहने का मतलब, फिर इनका उद्देश्य क्या हो जाता है, किसानों और मजदूरों के युद्ध लड़ाई तक ही सीमित नहीं होता, ये जो है अपने उद्देश्यों के लिए और भी आगे बढ़ने, और भी आगे, और भी हत्याएं, लूट, ये सभी चीज़ों में इनको लिप्त कर देते हैं। ठीक है, अपना ही नुकसान ये लोग करने लगते हैं, अपने ही राष्ट्र का नुकसान ये लोग करने लगते हैं। ठीक है, जब तक ये अपने मार्ग से भटके ना हो तब तक ये किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और वर्तमान में बहुत से नक्सली संगठन वैधानिक रूप से राजनैतिक पार्टियों का रूप धारण कर चुके हैं। बच्चों, देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये मान के चलिए कि ये माओ समर्थक ही पार्टियां हैं। ठीक है, नक्सलवाद के समर्थक तो हम नहीं कह सकते, नक्सलियों के समर्थक, लेकिन हाँ, कम्युनिस्ट पार्टियों का मतलब होता है साम्यवाद समर्थक या चीन समर्थक या माओ समर्थक कह सकते हैं। माओ की विचारधारा से ये लोग प्रभावित पार्टियां हैं। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये सभी में नक्सलवाद ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, और माओ के जो प्रसिद्ध वाक्य है, नक्सलियों का ये मूल मंत्र है, कौन कौन, राजनैतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, बंदूक के दम पर अच्छे अच्छे कार्य कराए जा सकते हैं, बंदूक के दम पर सत्ता को भी अपने अधिकार में किया जा सकता है। अब देखिए, राजनीति क्या है, रक्तपात रहित युद्ध है राजनीति, और युद्ध क्या है, रक्तपात युक्त राजनीति। राजनीति क्या है, रक्तपात रहित युद्ध है, और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति। ठीक है बच्चों, चलिए, हमारे विचार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर में, अभी हम लोग आंतरिक खतरा पढ़े हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे बाहरी खतरे। बाहरी खतरे कहाँ से, पड़ोसियों द्वारा, पड़ोसी देशों द्वारा। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए और मस्त रहिए। बाकी बच्चों, जो समझ में ना आता हो, जो भी चीज़ों में दिक्कत हो, आप लोग आराम से कमेंट कीजिए, कमेंट हम जब भी देख लेंगे तुरंत आपको आपका समाधान उसका हम कर देंगे, करने के लिए दूसरा वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो कमेंट पे आधारित होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तब तक आप लोग पढ़िए। क्योंकि बच्चों, इसको हमने आपको इस तरह समझाने का प्रयास किया है कि बाय द वे, अगर आपको याद नहीं भी होता है आंतरिक खतरों में, तो आप बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ और अलग से पढ़ना ही नहीं है, आपको केवल भारत की स्थिति पे निगाह डालना है और बाकी सारी चीज़ें आपकी आँखों के सामने, आपके दिमाग में स्वयं ही आ जाएगा। हाँ, थोड़ा से कुछ पॉइंट्स ज़रूर याद करने होंगे, तो उन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप लोग इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, चाहे विस्तृत उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे अति लघु उत्तरी हो। ठीक है बच्चों, चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।